हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल आशा का किचन में बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी का टाइम आ रहा है। आज हम कान्हा जी के भोग के लिए नैवेद्यम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं हम नैवेद्यम। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 500 ग्राम चीनी लेंगे। 400 ग्राम मैंने ये मूंग दाल को भिंगोकर इसे पीस लिया है, अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है, 1 चम्मच घी लिया है, ये ड्राई फ्रूट्स है और ये ऑयल है। गैस जलाएंगे सबसे पहले और इधर कढ़ाई में मैंने 1 लीटर पानी लिया है, इसे गर्म करेंगे। इस पानी में अब हम 1/2 किलो चीनी डाल देंगे चाशनी के लिए। चाशनी में कोई तार नहीं बनाना है, मुझे बस चाशनी को गाढ़ा करना है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे तेज़ गर्म करेंगे क्योंकि हमें इसमें अब बूंदी बनाना है। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बेसन को घोल लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे घोलने के लिए। इसे अच्छे से घोलना है इस ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, नहीं तो बूंदी बनने में दिक्कत आएगी। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब रिफाइन ऑयल डालेंगे। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, बेसन की। अब हम बूंदी बनाना शुरू करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। इस तरह से हम चम्मच की मदद से डालते हुए बूंदी बना लेंगे।
नैवेद्यम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये कान्हा जी के भोग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से हम सारे बूंदियों को बना लेंगे। ये देखिए बूंदी बनकर तैयार हो गया है। अब इसी ऑयल में हम ये मूंग दाल का पेस्ट डालेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये चिपके ना। ये चाशनी तैयार है। तब तक हम थोड़ा सा चाशनी बूंदी के लिए अलग करेंगे। अब हम इसमें ये बूंदी डाल देंगे। और इसे मिक्स करके हम रख देंगे। अब ये देखिए चिपकना रुक गया है। अब ये अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालेंगे। उससे पहले हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। और अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है और फ्लेम को भी बिल्कुल हाई रखना है। अब हम इसमें ये बूंदी डाल देंगे। और इन दोनों को साथ में भूनेंगे।
और इसे तब तक भूनना है जब तक ये एक दूसरे में ये चिपकने ना लगे, क्योंकि हमें इसकी लड्डू बनानी है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। अब ये ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये नैवेद्यम के लड्डू साइज में थोड़े बड़े बनते हैं। ये देखिए कितने आसानी से ये बन गया है। बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए ये। इस तरीके से हम सारा लड्डू बना लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कान्हा जी के भोग के लिए ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट कीजिएगा जो आपने ये बनाया है। ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। That's your